नमस्कार दोस्तों, मैं काजल रतूड़ी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल द ऑचिंग में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश में काफी लंबे समय से चल रही हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में और जानेंगे कि हमारी भारत की जनता के इस बारे में क्या विचार है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हाय चंचल, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तो आप कुछ न्यूज़ वगैरह देखती हैं, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज जो भी हमारी कंट्री में चल रहे हैं? हाँ जी, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत कहाँ से देखती हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और कभी कभी पापा टीवी वगैरह देख रहे होते तो वहाँ से सुन लेते हैं। अच्छा, तो हमारी कंट्री में जो इतना बड़ा हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में आपने सुना होगा, इतना बड़ा इशू चल रहा है, तो आपको उसके बारे में कुछ पता है? हाँ जी, ये कर्नाटक के एक स्कूल में, कॉलेज में हुआ था। वहाँ पे ड्रेस कोड था, बट वहाँ के मतलब कुछ इस्लाम वाले लोग थे तो वो हिजाब पहन कर आते थे, और वहाँ के प्रिंसिपल ने एक बार बोला कि आपको मतलब ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा मतलब ये हिजाब ही पहनेंगे हम ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये इशू रेज होता जा रहा है। तो पहले कभी हमारी कंट्री में ऐसा कुछ इशू रेज हुआ है? हाँ जी, पहले भी हुआ है, केरला के एक स्कूल में हुआ था पहले, वहाँ पे भी, बट पहले इतना इशू नहीं था जितना इस बार हुआ है, जितना इस बार इसको लास्ट हुआ है। हाँ, बनाई गई है। अच्छा, तो हर पर्टिकुलर स्कूल का हमारी कंट्री में एक यूनिफॉर्म होता है, एक ड्रेस कोड होता है जो उसे रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म कोड डिसाइड करना ठीक है, या हर धर्म का बच्चा अपना धर्म लेके कॉलेज आए? नहीं नहीं स्कूल कोड मतलब स्कूल ड्रेस जो होती है वो ठीक है, क्योंकि वो एक यूनिफॉर्मिटी देती है, एक प्लेटफॉर्म है वो एक, तो वहाँ पे सब बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो वो यूनिफॉर्म बहुत अच्छी चीज है जो कि हर एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। और अगर हर लोग अपना धर्म लेके घुसेंगे तो ये बहुत ज़्यादा, पहले भी मतलब लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ इस चीज़ से होती रही हैं, तो अगर स्कूल फॉर्म वगैरह होगी तो इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं बढ़ेंगी। नहीं तो सब अपना कपड़े ही पहन कर आ जाएंगे, तो कोई फैशन शो, हाँ फैशन शो। अगर हर धर्म का बच्चा अपना बोले कि हिंदू अलग बोले, क्रिश्चियन अलग बोले कि हमें अपना पहनना, तो आपको लगता है कि इससे हमारी कंट्री में कट्टरपंथी और? हाँ, इससे कट्टरपंथी बढ़ेगी, इससे लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ेंगे, क्योंकि जो कि पहले भी बढ़ते आ रहे हैं। अगर स्कूल यूनिफॉर्म होगी तो इससे थोड़ी लड़ाइयाँ कम, यूनिफॉर्मिटी क्वालिटी बेसिकली बढ़ेगी, दिखाता है यूनिफॉर्म क्वालिटी। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। यू आर वेलकम, विश यू अ वेरी गुड डे। थैंक यू, सेम टू यू। हाय राहुल, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तो आप न्यूज वगैरह देखने में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देख लेते तो हैं। हमारी कंट्री में काफी टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही है, हिजाब कंट्रोवर्सी, इतना बड़ा इश्यू बनाया उस चीज का, काफी टाइम तक वो न्यूज में भी बहुत वायरल रहा। तो आपको लगता है कि इतना इश्यू बनने वाला टॉपिक था वो? नहीं, एक्चुअली अगर एक सिंपल सी बात, अगर उनको स्कूल में बोला गया है कि आपको नहीं पहन के आना है, और सिंपल प्रोटोकॉल है कि पूरे इंडिया में सेम चलता है, तो अगर वो मान लेते तो फिर इतना बड़ा इशू बनता ही नहीं। हाँ, और भी कंट्रीज में नहीं पहनते, सब स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनते हैं, तो फिर तो बेसिकली जो स्कूल एक यूनिफॉर्म डिसाइड करता है, जो एक उनका पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है कि हमारे स्कूल को ये चीज रिप्रेजेंट करती है, तो वो स्कूलों को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसी बेस पे सारा इशू क्रिएट हुआ है। नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए, वरना तो ऐसे कोई भी बच्चा कैसे भी ड्रेस पहन के आएगा, कोई रिलीजियस वाइज पहन के आएगा, कोई ऐसे पहन के आ रहा है, तो एक ड्रेस कोड होना चाहिए ताकि सब बच्चे इक्वल दिखें और सब बच्चों का एक कोड बना रहे प्रॉपर। तो सबका एक यूनिफॉर्म जो है वो होना चाहिए, होना चाहिए। अगर हर धर्म का बच्चा बोले कि हमें अपना धर्म लेकर आना कॉलेज में, तो कट्टरपंथी बढ़ेगी उससे। तो आपके क्या विचार है, तो बढ़ेगी इससे कट्टरपंथी, अलाव कर देना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल, अब जैसे कोई हिंदू समाज के होंगे सब एक जैसा पहन के आएंगे तो हिंदू का ग्रुप अलग बढ़ जाएगा, कोई मुस्लिम होंगे तो उनका ग्रुप अलग बढ़ जाएगा, तो ऐसे सबका ग्रुप बढ़ जाएगा स्कूल में। इससे अच्छा कि सब एक ही यूनिफॉर्म में रहे, एकदम सेम पैटर्न रहे, तो आपस में मिलजुल के रहेंगे, और इससे बचपन से, क्योंकि स्कूल हम बचपन में होते हैं, तो बचपन से ये सब नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, बचपन से इक्वालिटी आनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, एंड हैव अ गुड डे। हाय साक्षी, कैसी हैं आप? हाय काजल, मैं ठीक हूं, आप कैसे? अच्छा, तो आप न्यूज वगैरह कुछ देखती है, इंटरेस्ट रखती है न्यूज देखने में? हाँ, न्यूज तो मैं देखती रहती हूँ, ऑनलाइन भी देखती हूँ कभी कभार। ओके ओके, तो हमारी कंट्री में जो इतना बड़ा इशू चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है, हिजाब कंट्रोवर्सी वगैरह आपने सुना होगा, तो आपको क्या लगता है इतना बड़ा इशू क्रिएट हुआ, इतना बड़ा बनाया गया है इसे, तो क्या ही नेसेसरी था इसको इतना बड़ा इशू बनाना? नहीं, अगर हिंदू मुस्लिम बीच में आए, अगर उनकी बात छेड़ी, तो यार वो लड़ाई तो होनी होनी है, इशू तो क्रिएट होना ही है, इशू तो क्रिएट होना ही है। हिजाब तो बहुत पहले से लड़कियां पहनती आई हैं, तो इसी बार इस बार बहुत ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही ब्लास्ट कर दिया है। हर धर्म का बच्चा आज हमारी कंट्री में, वो है धर्म है हिंदू मुस्लिम इस्लामिक, अगर हर कोई बोले कि हमें अपना धर्म लेकर आना है स्कूल, हमें अपने हिसाब से आना, तो क्या नहीं आपको लगता कि कट्टरपंथी और बढ़ेगी इससे, जो स्कूल में जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी? सब
कुछ खत्म हो जाएगा, सब अपने अपने यूनिफॉर्म पहन के आएंगे तो फिर ऐसा लगेगा जैसे फंक्शन में आए हैं। यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इक्वालिटी दिखाती है। हाँ बिल्कुल, इक्वालिटी तो दिखाती दिखाती है, ऊपर से फिर ना स्कूल की रेपुटेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है कि हाँ भाई स्कूल की यूनिफॉर्म है। बहुत सी हिंदू फैमिलीज में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि अगर गर्ल्स को कुछ सूट ही पहनना है बट वो स्कूल में आके अपना ड्रेस कोड देखती हैं, यूनिफॉर्म पहनती हैं। हाँ यूनिफॉर्म पहनती हैं, ऐसी जो हिजाब का जो चल रहा है तो उन्हें यूनिफॉर्म बेसिकली फॉलो करना। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा तो हमारी कंट्री में पहले कभी आपने सुना है कि पहले कभी ऐसा मुद्दा रेज हुआ हो, इस बारे में इतना बड़ा इशू क्रिएट हुआ हो उस चीज़ का? नहीं मैंने कभी नहीं की। नहीं आपने नहीं? थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए एंड विश यू अ वेरी गुड डे। थैंक यू। न्यूज़ वगैरह कुछ देखती है आप, इंटरेस्ट रखती है न्यूज़ में? नहीं न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं देखती, बस सोशल मीडिया पे जो आता है, जो फीड पे आता है वो मैं सब देखती हूँ। अच्छा तो हमारी कंट्री में जो आजकल इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है हिजाब कंट्रोवर्सी का, उसके बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत? हाँ उसके बारे में तो बहुत पता है क्योंकि वो मुद्दा बहुत ज़्यादा चला था। हाँ हिजाब कंट्रोवर्सी में कुछ ऐसा था ना कि गवर्नमेंट कॉलेज में हिजाब के पीछे मतलब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, इस्लामिक स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। ओके तो जो भी इतना बड़ा हमारे चल रहा है मुद्दा कि हिजाब पहनना देना चाहिए या नहीं, शिक्षा या शरीर, जो भी इतना चल रहा है, तो आपके क्या व्यूज है कि क्या ये अलाउ होना चाहिए स्कूल और कॉलेज में? अलाउ कर देना चाहिए, ऐसे कंपल्सन नहीं करना चाहिए कि नहीं पहनना या पहनना है। जिसको जो माना है, जिसको अपना धर्म निभाना है वो निभा सकता है। जैसे कि हिंदूज में टीचर्स होती है वो अपनी चुन्नी पहनती है, हम उनको मना तो नहीं करते ना कि चुन्नी मत पहनो पहनो, तो ये एक इंडिविजुअल पर डिपेंड कर देना चाहिए, कोई गवर्नमेंट को ऐसा कुछ लॉ नहीं निकालना चाहिए। तो फिर जो स्कूल जो यूनिफॉर्म को डिसाइड करता है कि हर स्कूलों की पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है, तो फिर वो गलत है कि सही है? बिल्कुल सही है। स्टार्ट। तो जो हर स्कूल का हमारी कंट्री में पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है, स्टार्ट। तो जो हर स्कूल का एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड है, एक यूनिफॉर्म है, तो फिर क्या ये होना लागू होनी चाहिए यूनिफॉर्म स्कूलों में? हाँ यूनिफॉर्म लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हाँ हर स्कूल का एक यूनिफॉर्म एक ड्रेस कोड होता है पर्टिकुलर, तो क्या फिर वो चीज़ लागू होनी चाहिए? हाँ यूनिफॉर्म लागू करने में कुछ बुराई नहीं है, मतलब अपना कस्टम अलग होता है और एजुकेशन अलग है। मतलब कोई अपने कस्टम निभाने के पीछे अगर एजुकेशन छोड़ना चाहे वो उस पर दिक्कत है, उसकी उसकी मर्जी है, हमारी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो अगर हर धर्म का बच्चा बोले कि मुझे अपना कस्टम निभाना है, अपना धर्म लेके अगर वो यूनिफॉर्म पहन के अपना ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा करना चाहे, जैसे टीका लगा लिया और जो हिजाब पहने, हिजाब इज अ डिफरेंट थिंग, बुरखा इज अ डिफरेंट थिंग, अगर वो बुरखा पहन के आ रहा है तो वो गलत है, अगर यूनिफॉर्म के साथ वो हिजाब पहन रहा है तो उसमें कुछ गलत है ही नहीं। तो आपको लगता है कि इससे कट्टरपंथी और बढ़ेगी हमारी देश? कट्टरपंथी तो भाई पहले से ही होती आ रही है, अभी तक उसका कुछ बिगड़ा नहीं है, और एक यूनिफॉर्म उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता एक्स्ट्रा, उसमें कुछ नहीं कर सकता। ओके तो मतलब आपके हिसाब से गलत नहीं है? गलत नहीं है और लागू हो जाना चाहिए। ओके तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, ऐसी ही और मनोरंजक खबरें सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल द ऑर्ड्रिंग के साथ। धन्यवाद।